आज का वरदान सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। ये सृष्टि एक रंगमंच है और मैं आत्मा इस रंगमंच पर विशेष किरदार निभाने वाली हीरो एक्टर हूं। अनुभव करें इन देह रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली मैं श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा सतयुग आदि से कलयुग अंत तक मैंने ऐसे भिन्न भिन्न वस्त्र कई बार धारण किए और त्याग किए, पर कलयुग अंत तक आते आते मैं इन वस्त्रों के भान से इतना आकर्षित हो गई जो स्वयं को ही यह देह समझ कर्म करने लगी और मेरे संस्कार जो पहले बहुत सरल सहज होते थे इन वस्त्रों की ही भांति टाइट हो गए। मैं आत्मा जो रियल गोल्ड थी सोने की तरह पवित्र थी, देह अभिमान की खोट आने से अपवित्र हो गई, चांदी की तांबे की और लोहे की खाद बढ़ गई, जिससे परिस्थितियों प्रमाण समय प्रमाण मोल्ड होना झुक जाना स्वभाव संस्कार मिलाना मेरे लिए कठिन हो गया। आकर्षण और विकर्षण का प्रभाव मुझ पर तुरंत पड़ने लगा। संबंध संपर्क में भी सदा खींचा तान अनुभव होता था। अनुभव करें ड्रामा के इस खेल में बदलते अपने स्वरूप को। और देखें कि ये सृष्टि चक्र
अब मुझे संगम की इस पुरुषोत्तम घड़ी में ले आया है, जब स्वयं सर्वशक्तिमान पवित्रता का सूर्य परमपिता परमात्मा मेरे अंदर की खोट को निकालने के लिए मुझे पुनः सच्चा सोना बनाने के लिए स्वर्णिम युग का अधिकारी बनाने के लिए बिल्कुल मेरे समक्ष आ गए हैं। अनुभव करते जाएं सर्व शक्तियों को, जैसे प्रातः काल का सूर्य दुनिया के अंधकार को समाप्त कर देता है, बिल्कुल वैसे ये ईश्वरीय किरणें मेरे अंतर की हर कमी कमजोरी को मैं मेरे पन के मैले पन को देह अभिमान की रस्सियों को भस्म कर रही हैं। फील करते जाएं जैसे कड़े संस्कार इजी सरल बन रहे हैं, अब ड्रामा में कोई भी दृश्य सामने आए अच्छा या बुरा व्यक्तियों की हलचल वातावरण का प्रभाव बाह्य दुनिया की कोई भी परिस्थिति साधनों का आकर्षण नकारात्मक बातों का विकर्षण कुछ भी मेरे अंतर की पवित्र स्थिति को छू नहीं सकता। यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। संस्कार है जो मुझे मेरे प्यारे मीठे बाबा ने दिया है, महसूस करें इस आंतरिक आनंदमय स्थिति को जो मुझे सदा हर्षित रखती है। ओम शांति।